हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैंगन का भरता बनाएंगे और बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बनाएंगे। और ये हमने एक बड़े साइज का बैंगन ले लिया है, 3 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं और ये हम मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, उससे हम इनके ऊपर ग्रीसिंग कर देंगे, लगा देंगे ऑयल को अच्छी तरह से इस तरह से। और बैंगन में हम 3 कट्स लगाएंगे, एक सेंटर कट और बाकी 2 कुछ दूरी पर इस तरह से साइड कट्स लगा देंगे। और इनके अंदर हम 5 से 6 हमने लहसुन की कलियां छीली हैं, वो हम साइड में रख देंगे। इस तरह से जो हमने कट लगाए हैं ना, उनमें बीच बीच में हम ये लहसुन रख देंगे। और हरी मिर्च भी हमने ली हैं, वो भी हम इसी तरह से बीच बीच में इनके कट्स में रख देंगे। और इस तरह से देखें, हमने हरी मिर्चें और लहसुन रख दिया है और लगभग हमने 4 से 5 कलियां रख दी हैं और इसी तरह हरी मिर्चें। और हाई फ्लेम पर हम ये बैंगन को इस तरह से भूनेंगे और उसकी स्टेम पकड़कर इस तरह हम घुमा घुमा कर भून लेंगे। इसी तरह टमाटरों को हम भूनेंगे और ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाए तो हम इसका ऊपर का जो पार्ट है ना, वो निकाल देंगे, जो छिलका है। आपको नज़र आ रहा होगा ये भुनने लगा है और काला पड़ गया है, इसे हम निकाल देंगे जब ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। और लगभग ये तैयार हो गया है, आप थोड़ा सा टच कर भी देख लीजिएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद छीलने के बाद, ये हमने आपको नज़र आ रहा होगा टमाटर भी इसी तरह छीलने के बाद कट कर ली हैं दोनों चीज़ें नाइफ से, मोटा मोटा हमने इनको काट लिया है। और प्याज़ों को जो हमने आपको अभी दिखाए थे ना, 3 प्याज, इसी तरह से हम इनको भी छील कर चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। आप जिस तरह चाहे चॉप कर लें, हमें मोटे ज़्यादा नहीं चाहिए प्याज। और इस तरह से हमने बड़े बड़े पीस कर चॉपर में डाल देने हैं और इनको हम अच्छी तरह चॉप करेंगे। और फिर एक कढ़ाई या पैन जो भी आप लें, उसमें सरसों के तेल में हम बनाएंगे। देखें, ये प्याज हमारे चॉप हो गए हैं और हमने तेल गर्म करने के बाद ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून के करीब, और जो प्याज चॉप किए थे ना हमने, वो सब डाल देने हैं इसमें। और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमें भून लेना है, ज़ीरा तेल और प्याज हम सब एक साथ भून लेंगे। थोड़ा सा इनका कलर बदल जाए, हल्के से ब्राउन हो जाए। और देखिए, इनका कलर बिल्कुल चेंज होने लगा है। थोड़ा सा हमें बीच बीच में इन्हें चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको पकाएंगे और उसके बाद हम इनमें सारी चीज़ें डाल देंगे जो हमने बैंगन और टमाटर कट कर कर रखे हैं ना, हमने उनको रफली ऐसे काट लिया है। और देखें, अब हम ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश करना है। देखें, इस तरह से स्पून की हेल्प से, आप चाहें तो जो पोटैटो मैशर होता है उससे भी कर सकते हैं। तो जो लहसुन नज़र आ रहा है ना आपको, छोटा बड़ा पीसेस अभी रह गए हैं, वो भी हम सब स्पून की हेल्प से मैश कर देंगे, क्योंकि वो गल गया है, स्टीम हो गया था बैंगन के साथ। और इसी तरह हरी मिर्चों को भी हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे और उसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मसाले भी डालेंगे। और अब हमें देखें, इस तरह से हाई फ्लेम करने के बाद मैश करना है सारी चीज़ों को। और अब हम नमक डाल रहे हैं टेस्ट के हिसाब से अपने, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और पिसी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और उसके बाद भून लेंगे अच्छी तरह से। इसमें अभी हमें हल्दी और धनिया भी डालना है।
खूब हाई फ्लेम करने के बाद भून लेंगे अच्छी तरह। देखें काफ़ी हद तक हमारी मिर्ची और टमाटर भी मैश हो गए हैं इसमें। और अब हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हमें हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, बस 5-6 पिंच के करीब हमने हल्दी डाली है, और हाफ टी स्पून के करीब हमने धनिया पाउडर डाला है। और खूब अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को भूनेंगे इस तरह से हाई फ्लेम करने के बाद, और साथ में हम इसे मैश करते जा रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और बताइए रेसिपी कैसी लगी आपको, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट भी करिए, और अगर चैनल पर नए हों और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और भरता हमारा बिल्कुल लगभग रेडी है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। आप पूरी से, पराठे से, रोटी से खाइएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत सारे लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उनको इस तरह से पकाकर खिलाएंगे ना तो आपसे यकीन मानिए मांग मांग कर खाएंगे और फरमाइश करेंगे इस तरह से बैंगन का भरता बनाने की। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी, और आपका भरता कैसा बना। और देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है, हरे धनिए ने इसे गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो हरी मिर्चें और भी इसमें कट कर कर डाल सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही हरी मिर्चें, बैगन स्टीम हो रहा था तभी स्टीम कर कर इसमें मैश कर दी हैं, तो उनका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आया है इसमें। ओके, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में।